संजू, मैं अदिति एंड आज हम कर रहे हैं हु नोज मी बेटर चैलेंज। सो इस चैलेंज में हम देखेंगे कि मैं अपनी मम्मी को ज़्यादा जानती हूँ या मेरी मम्मी मुझे ज़्यादा जानती है। सो मैंने आज ये क्वेश्चंस पिंक विला के एक आर्टिकल से लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैलेंज, देखते हैं कौन जीतता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी तो तुम्हारे यहाँ ये है, ऋतिक रोशन की जिसमें करीना कपूर है। हाँ हाँ, वो मूवी का नाम ही तो याद नहीं है। मूवी का नाम बताओ। ऋतिक रोशन, करीना कपूर की तीन चार मूवी है। हाँ, कोई ये बताओ मूवी का नाम। बताओ चार मूवी का नाम। अच्छा, गाना बता दो मूवी का। Who are you? क्यों नहीं, कौन सा था गाना? बहुत फेमस गाना है, मुझे नहीं पता। शाबा शाबा। हाँ, अच्छा वो मूवी। हाँ, क्या नाम है? मेरी फेवरेट मूवी। हाँ, क्या नाम है उस मूवी का? कभी खुशी कभी। हाँ, कभी खुशी कभी गम। नहीं, सारे दिन तो बैठ के तुम वही मूवी का गाने सुनती रहती हो, देखती रहती हो। सुनती हूँ कभी खुशी कभी गम। वैसे इसे कोरियन मूवी ज्यादा, कोरियन सीरियल और कोरियन मूवी ही देखती है। कभी खुशी कभी गम मेरे को सेकंड हाफ से पसंद है, जब से ऋतिक और करीना की एंट्री होती है। एक हिंट है आपके पास कि ऋतिक रोशन की मूवी है। कोई मिल गया? नहीं, कहो ना प्यार है। नो, ऋतिक रोशन की थी, यही सब मूवी आती है। तो आप हार मान गए? हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सेनोरिटा गाती रहती हूँ मैं। चलो चलो, आपकी फेवरेट मूवी? हा, की फेवरेट मूवी बीवी नंबर वन, चाची, क्या नाम था? चाची 420। नहीं, कौन से हेरा की मूवी है? हार मान गई? नहीं, कौन से उसकी मूवी है, किस टाइम की है? एक मूवी है जो मुझे, मैंने कभी भी देख सकती, मैंने देखी है। हाँ, वो मूवी मैं जब भी देखूंगी मैं एंजॉय करूंगी। मैंने देखी है। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, पता नहीं पे। इश्क, ये कौन सी मूवी है? इस मूवी मैम नहीं दिखाई थी, अजय देवगन और इसका कब? अजय देवगन है इसमें, फिर तुम्हारा आमिर खान है, काजोल है, जूही चावला है। बहुत हंसने वाली मूवी है ये, तो मैं जब चाहूँ तब देख सकती हूँ। कब दिखाई हो मेरे को? देखी हो? कब देखा? मैं पूछ रही हूँ कब देखा उसकी है। उसकी मूवी का गाना भी बहुत हिट गाने हैं, मुझे याद नहीं आता है इन वक्त पे, मैं भूलती हूँ, ये तो मेरी बीमारी है। आगे चलो। हार गई। पहला क्वेश्चन दोनों का गलत। सेकंड क्वेश्चन, मेरा फेवरेट खाना कौन सा है? आलू दम चावल, समोसे, यही है। तुम खाती कहाँ हो चिड़िया? तुम चुंगती क्या पसंद है? मुझे कोई भी ऐसी चीज बता दो जो मेरे को पसंद हो। तुम्हें जीरा राइस और चने की दाल। हाँ, ये सही है। आपको क्या पसंद है? आपको मेरा बनाया हुआ शाही पनीर पसंद है। आप मैं ना भी नहीं कर सकती। पसंद है ना? बहुत। दोनों को एक एक पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन, मेरा पहला जॉब क्या था? पहला जॉब बहुत इजी है, राइटिंग, जो स्टोरी लिखती थी। हाँ। आपका पहला जॉब? मम्मी हूँ मैं। आपका पहला जॉब टीचर? मेरे को किस टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद है? हैरी पॉटर टाइप की।
हैरी पॉटर टाइप की, वही जैसे उसमें स्टोरी जो रहती है उस टाइप की स्टोरी तुम्हें ज्यादा पसंद है, क्राइम वाली? या एक तो हैरी पॉटर तुमको बहुत पसंद है, एक क्राइम वाली स्टोरी तुम्हें पसंद आती है? लव स्टोरी तो मुझे पसंद आती है जिसमें मार धाड़ ना हो, तुम लोगों को तो मारी धाड़ वाली पसंद है बस। आपको रोमांस नॉवेल्स पसंद है, मेरे को भी रोमांस नॉवेल ज्यादा पसंद है, मैं सबसे ज्यादा वही पढ़ती हूँ। लेकिन मैं जब भी देखती हूँ तो बस यही, मैं और भी जॉनर्स पढ़ती हूँ, मम्मी नहीं पढ़ती है, दैट्स द डिफरेंस। तो अभी मेरे पास आपसे ज्यादा पॉइंट्स है, एक पॉइंट ज्यादा है मेरे पास आपसे। क्यों, मैं तो सही बताई हूँ, आपने बोला रोमांस वाला आपको पसंद है। तो मैं नहीं देखी हूँ मैं तुम्हें ज्यादा। हाँ, तो मेरा फेवरेट तो मैं कह रहा हूँ, जब मैं देखूंगी नहीं तो फिर मुझे क्या समझ में आएगा। मैं जीत रही हूँ बस। मेरे को किस सबसे ज्यादा डर किस बात का है? सबसे ज्यादा डर, हाँ, किस बात का है? कहीं मम्मी मुझे डांट ना दे। मम्मी से दिन भर डांट सुनती रहती है, किस बात की डर है कि मैं ये करूंगी मम्मी डांट देगी, मैं वो करूंगी मम्मी डांट देगी? वैसे तो तुम भूत से भी ना डरो, बस मम्मी का डर है। फिर किस बात से मेरे को, किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है? मम्मी की डांट से मुझे तो यही लगता है, वैसे तो तुम फैमिली को खोना, वो तो हर कोई डरता है इस चीज से। कोई बात नहीं, आपको तो हर कोई डरता है, ये तो हर कोई डरता है। मैं जीत गई इसमें। जी नहीं, आप हार गई, ये कोई ये नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्रैप करते हैं फिर। नहीं, आप मेरा फेवरेट आर्टिस्ट बता दो मुझे सबसे ज्यादा। कोरियन नहीं, अरे हिंदी फिल्मों में देखा जाए तो ऋतिक रोशन। मम्मी सिंगर, सिंगर सिंगर तुम्हारी वो एक लंबी सी जो लेडी नहीं है, क्या नाम है उसका, वही तो है जो हमेशा इंग्लिश सॉन्ग गाती रहती है डिप्रेशन में भी और ऐसे में भी। नाम मेरे से मत पूछो, मैं उसकी हिस्ट्री बता दी, अब समझ जाओ कौन है वो। इट्स टेलर स्विफ्ट। आई एम अ स्विफ्टी, सर्टिफाइड स्विफ्टी। आई लिसन टू हर सॉन्ग्स ऑल डे एवरी डे विदाउट गेटिंग टायर्ड। आपकी फेवरेट सिंगर? लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी? नहीं, ये लोग आपको पसंद नहीं? पसंद है, ये तो सबको पसंद है यार। ये आप ऐसे करोगी तो क्या होता है कि सबको पसंद है, ये आपका फेवरेट कौन है? अब कौन है? नक चढ़ी, गुस्से में आ गई। आप हर क्वेश्चन पे ये करने लगोगी तो सबको पसंद है, ये तो ये है। कविता कृष्णमूर्ति, ये कौन है? हम लोगों के जमाने की। मैंने आपको जब सुना है आप लता मंगेशकर के गाने सुन रही होती हो, आप किशोर कुमार के गाने सुन रही होती हो, आप मनोज कुमार नहीं, मोहम्मद रफी के गाने सुन रही होती हो, अरिजीत सिंह के इन लोग के गाने सुनती रहती है। कविता पसंद है, के पसंद है। कविता पता नहीं कौन, नाम तक नहीं सुना है मैंने। हवा हवाई कौन गाया था? मुझे क्या पता, कृष्णमूर्ति गाई थी। आपने आज तक मेरे को याद है ना, आप हवा हवाई कभी आपने बोला नहीं, अलेक्सा हवा हवाई बजाओ। हवा हवाई चीटिंग राउंड है मम्मी का, कुछ भी मैंने कुछ बोल दिया उससे अपोजिट बोलना है जीतने के लिए। मेरा फेवरेट सीजन कौन सा है? सीजन विंटर, विंटर ही है आपका, विंटर है। सही है, ये दोनों सही है, मेरा भी विंटर है, मम्मी का भी विंटर है, मेरे पापा का भी। मेरा फेवरेट कलर क्या है? ब्लू। आपका चेंज होता रहता है? आपका कोई, आपका कोई पर्टिकुलर फेवरेट? मुझे सारे कलर पसंद है, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसको सारे कलर पसंद हो, कोई तो एक कलर होता है जो नहीं पसंद। मेरा चेंज होता रहता है। मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है घूमने का? ऊटी नहीं, कोरिया, कोरिया सॉरी, कोरिया, हाँ, जाके फेसियल करवाना चाहती हो? हाँ करवाना है, बट कोरिया मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं है। फिर स्विट्जरलैंड, यही है, मैं तो कोरिया ही सुनती रहती हूँ। जब मम्मी मैं तुम्हें भी ले चलूंगी, फाइनल
फाइनल यही कोरिया, इट्स स्विट्जरलैंड। ये मैं सुनती हूँ ना हमेशा तुम्हारे इससे। आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड, इट्स माय ड्रीम डेस्टिनेशन। आपका 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 नैनीताल, आजकल रोज नैनीताल, रोज मैं बोलती हूँ मम्मी ऊटी चलते हैं, मम्मी केरला चलते हैं, मम्मी यहाँ चलते हैं, मम्मी साउथ चलते हैं, नहीं नैनीताल चलते हैं, नैनीताल चलते हैं। पहले पास का ही घूमना चाहिए, दिल्ली के पास में जो जो जगह है ना पहले वो घूमना चाहिए, फिर बाहर का। नैनीताल सही है कि गलत? मेरे को काउंट नहीं है याद कौन जीत रहा है। अरे मैं जीत गई ना। कहाँ जीत गई, अभी वीडियो प्लेबैक करके देखूंगी कौन जीता कौन नहीं जीता। जबरदस्ती जीती, तुम अभी बच्ची हो। नहीं, नहीं, मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है? वैनिला। बटर स्कॉच। पापा का है बटर स्कॉच। तुम लोगों का तो चेंज होता रहता है, कभी कोई फ्लेवर मंगवाती हो कभी कुछ। मेरा चेंज नहीं हुआ, मेरा हमेशा से वही है जब से खाया है। मुझे तो यही लगता है। फिर मैंगो तो तुम खाती नहीं हो फ्लेवर। आई हेट मैंगो। स्ट्रॉबेरी। फिर मिंट चोको चिप। मिंट सही, मिंट हमेशा तो तुम लोग चेंज करती रहती हो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी। आप वैसे वेनिला तुम्हें ज्यादा पसंद है। मिंट चोको चिप जल्दी अवेलेबल नहीं होता, महंगा मिलता है मिंट चॉकलेट चिप। हाँ, तो फिर मैं भी गलत नहीं हूँ। तो कौन फ्लेवर में से वेनिला मेरे को ज्यादा पसंद है? मुझे तो लगता है आपका या तो वेनिला या फिर बटरस्कॉच। वेनिला या बटरस्कॉच। मेरे को एक पेट पालना हो तो मैं क्या पालूंगी? म्याऊ। पालना चाहती हूँ, कैट भी पालना चाहती हूँ, बट मेरे को डॉग डॉग चाहिए मुझे, छोटा डॉग, स्मॉल ब्रीड। हमारे पास एक डॉग ऑलरेडी है जिसका नाम है जेस्पू, ही इज अ जर्मन शेपर्ड, ही इज 4 years old, ही इज स्लीपिंग राइट हियर बाय आवर साइड लिसनिंग टू एवरीथिंग वी आर सेइंग। आपको पेट तो आपको डॉग ही चाहिए था जो कि आपके पास है, दोनों माँ बेटे ने। मैं बोल रही थी मम्मी स्मॉल ब्रीड लेते हैं, स्मॉल ब्रीड नहीं, जर्मन शेपर्ड, जर्मन शेपर्ड। मम्मी ने बचपन से डॉग्स पाले हैं, इनकी फैमिली ने डॉग्स पाले हैं हर टाइप के, और मेरे भाई को इनके बेटे को इम्प्रेशन पड़ता है ना, इम्प्रेशन पड़ता है। अब यू वोंट बिलीव, आप सुनो, यू वोंट बिलीव, हमें कहीं जाना होता है, मुझे अपने दोस्तों से भी मिलने क्यों ना जाना हो, अगर हमें साथ में जाना है, मौसी के घर जाना है समझ लो, मौसी पास में ही रहती है, मौसी के घर जाना है, तीनों लोग नहीं जा सकते। वाय जेस्पू है, जेस्पू को अकेले थोड़ी छोड़ सकते हैं, और अकेले छोड़ दिया तो जो घर का हाल करेगा वो ना खाना खाएगा ना पानी पिएगा, और इतना बड़ा है ये कि मेरे और मम्मी से तो संभाल आता नहीं है, संभालता सिर्फ मेरा भाई है, और वो भी संभालता है तो वो इतना गुस्सा करता है इसको संभालने के लिए क्योंकि ये खींचता बहुत है, तो वो घर पे ही रहता है जेस्पू, कोई कहीं नहीं जाता जेस्पू। अगर ऋषभ मना कर देगा मैं लेके ही नहीं जाऊँगा, वो खींचता है इधर उधर उधर उधर, मैं नहीं लेके जाऊँगा, तो मैं बोलती हूँ मम्मी चलो ना, हम दोनों चलते हैं। नहीं, ऋषभ और जेस्पू को छोड़ के कैसे जाएं, तो हम घर पे रहते हैं ज़्यादा, छोटा ब्रीड होता तो हम लेके जा सकते थे। इनको बोलो मुझे भी एक गिफ्ट करे, जेस्पू ऋषभ के लिए गिफ्ट। हो गया। सो मेरी मम्मी को और खेलने का मन नहीं है, वो जबरदस्ती बंद करवा रही है वीडियो, गिफ्ट दे दी, वो वीडियो बंद करवा रही है, उनको और खेलने का मन नहीं है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज वेट फॉर आर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी कर दो, अगर टाइम है तो कर दो, कर देना, और मेरी मम्मी को बोलो ऐसे चैलेंजेस कैसे होंगे अगर ये उसमें बोलेंगे अब ये लास्ट क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा समझाओ इनको। एज का फर्क है, एज कार्ड खेल रही है, जबरदस्ती एज कार्ड खेलोगी यार।
ऐसा थोड़ी पूजा भट्ट खेल सकती है तो मैं क्यों नहीं फिर बिग बॉस गाइस मुझे कोई आइडिया नहीं बट यस दिन भर बिग बॉस के रेफरेंसेस मुझे सुनने पड़ते हैं इवन दो आई डोंट वॉच इट कोई बात नहीं आप भी सुन लो हो गया हो गया बाय तो बोलो बाय